अगर कह रहा हूं तो पंजाब में ज्यादा से ज्यादा मंदिर बने, ज्यादा से ज्यादा गुरुद्वारे बने, यहां ज्यादा से ज्यादा चर्च बनने की जगह नहीं है, ये गुरु वाणी की जगह है, ये सीता माता की जगह है। और अगर फिर भी कन्वर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसीलिए 4 मई को लुधियाना दरेसी में जागरण था, जिसमें मैंने ये कहा कि पंजाब के अंदर ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनने चाहिए, गुरुद्वारा साहब बनने चाहिए, लेकिन मैंने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहां चर्च नहीं बननी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने पेश ना करें। अगर किसी के मन को ठेस लगी है तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं सभी धर्मों की बराबर सम्मान करता हूं, बराबर इज्जत करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि सर्वधर्म एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसा ना करें। मैं भी आप ही के जैसा हूं, मेरे भी परिवार आप ही के जैसे हैं, इन चीजों से कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। और आप हम सब मिलकर एक सुंदर पंजाब को रिकॉग्नाइज करें, एक हंसता खिलता पंजाब दुनिया तक दिखे। पंजाब में सभी मिलजुल कर रहते हैं, तो मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि पंजाब के अंदर चर्च ना बने, और भगवान कृपा करे हम सब पर, हम खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम। मैं अगर कह रहा हूं तो पंजाब में ज्यादा से ज्यादा मंदिर बने, ज्यादा से ज्यादा गुरुद्वारे बने, यहां ज्यादा से ज्यादा चर्च बनने की जगह नहीं है, ये गुरु वाणी की जगह है, ये सीता माता की जगह है। और अगर फिर भी कन्वर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसीलिए 4 मई को लुधियाना दरेसी में जागरण था, जिसमें मैंने ये कहा कि पंजाब के अंदर ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनने चाहिए, गुरुद्वारा साहब बनने चाहिए, लेकिन मैंने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहां चर्च नहीं बननी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने पेश ना करें। अगर किसी के मन को ठेस लगी है तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं सभी धर्मों की बराबर सम्मान करता हूं, बराबर इज्जत करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि सर्वधर्म एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसा ना करें। मैं भी आप ही के जैसा हूं, मेरे भी परिवार आप ही के जैसे हैं, इन चीजों से कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। और आप हम सब मिलकर एक सुंदर पंजाब को रिकॉग्नाइज करें, एक हंसता खिलता पंजाब दुनिया तक दिखे। पंजाब में सभी मिलजुल कर रहते हैं, तो मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि पंजाब के अंदर चर्च ना बने, और भगवान कृपा करे हम सब पर, हम खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।